हमारी मांग है, ये सीधा सीधा भ्रष्टाचार का मामला है और इस भ्रष्टाचार के मामले में सीधे सीधे प्रधानमंत्री खुद शामिल हैं। ऐसे कई खोजी पत्रकारों ने फाइल की नोटिंग्स तक सार्वजनिक की हैं, आप सबके सामने है, मैं भी आपसे साझा करूंगा, जिसमें चुनाव आयोग हो, वित्त मंत्रालय हो, लॉ कमीशन हो, लॉ मिनिस्ट्री हो, इन सब ने अपने अपने स्तर पे, जिनके जमीर जिंदा हैं, उन अधिकारियों ने फाइल नोटिस में अपना विरोध दर्ज किया था। उस विरोध को नजरअंदाज करते हुए किस तरह से ये थोपी गई इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम इस देश पर, ये हम सब ने देखा। आज प्रधानमंत्री एक्सपोज हो गए हैं, बेनकाब हो गए हैं, उनका भ्रष्टाचार बेनकाब हो गया। ये भ्रष्टाचार मैं कहूं, बचते हुए कह दूं कि भाजपा का भ्रष्टाचार है, ये इलेक्टोरल करप्शन है, ये सब मुझे लगता है लाग लपेट की बात होगी। ये सीधा सीधा प्रधानमंत्री द्वारा किया गया एक भ्रष्टाचार है, जिसको कानूनी जामा पहनाने का प्रयास किया गया। मनी बिल लाकर आपने मनी का इंतजाम कर दिया, विधायक खरीदने के लिए, कोयले की खदान देने के लिए, हवाई अड्डे देने के लिए, अपने मित्रों को उपकृत करने के लिए, यह आपके सामने है। आज मैं फिर से हमारी पार्टी की ओर से, इस देश की जनता की ओर से, उन तमाम वकीलों को, एक्टिविस्ट को, एनजीओस को, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को खुले दिल से धन्यवाद देते हैं कि आपने एक ऐसा आदेश आज पारित किया है जिससे लोकतंत्र के जिंदा रहने की उम्मीद हम सबके मन में जागी है।